नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसमें से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना यार, पता नहीं कौन से नसीब से आपके पास पहुँचा है, कितना बढ़िया काम आपने किया होगा कि आप तक ये वीडियो पहुँचा है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, है ना। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सिखाने का मेरा दो उद्देश्य होता है। पहला तो ये कि जिन लोगों को नहीं आता है उनको इस टाइप के क्वेश्चन लगाना आ जाएगा, और दूसरा ये उद्देश्य होता है कि अगर आपको आता भी है तो आप इनको बहुत संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में लगाना सीख जाओ। तो दोस्तों, जिनको नहीं आता है वो लोग तो निश्चित रूप से बने रहें, और जिनको आता है वो भी इस उद्देश्य से बने रहें कि इस क्वेश्चन को मैं भी बहुत ही संक्षेप में लगाना सीख जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 9 सही 4/7 माइनस 2 सही 2/7 माइनस 3 सही 5/7 प्लस 5 सही 3/7। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो प्रोसेस है वो आप इस तरह से करते होंगे, 7 9 63 और 4 जोड़ देंगे 67/7 माइनस 7 2 14 और 2 16/7। इस तरह से आप करते होंगे, लेकिन इस प्रोसेस से मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही संक्षेप प्रोसेस बताऊंगा। वो क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो दिया गया है 9 सही 4/7, पहले तो आप ये जानने का प्रयास करिए कि कोई भी चिन्ह जो प्लस है या माइनस है या गुणे का है वो कहाँ रहता है, संख्या के आगे रहता है या फिर संख्या के पीछे रहता है। तो ये जो संख्या दी गई है, इसके आगे जो चिन्ह रहेगा वो इसका रहेगा, है ना। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वो प्लस माना जाएगा। ये वाली जो संख्या है, इसका चिन्ह इसके आगे रहेगा जो कि यहाँ पर माइनस के रूप में दिख रहा है, है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अगर ये प्लस में है ना भाई, ये 9 प्लस में है तो ये 4/7 ये भी प्लस कहलाएगा, ये भी प्लस कहलाएगा। तो आप इसको कह सकते हो 9 प्लस 4/7 माइनस, माइनस में है 2 तो ये भी माइनस कहलाएगा, 2/7 जो है ये भी माइनस 2/7 कहलाएगा। ये 3 है माइनस में माइनस 3 तो ये भी क्या कहलाएगा, 5/7, ये भी माइनस में रहेगा, माइनस 5/7। प्लस 5 है तो प्लस 3/7 रहेगा। अब आपको इसमें आसानी होगी, इस क्वेश्चन को लगाने का काम, लगाने का जो समय है मात्र 2 सेकंड ही है ना। मैं अभी लगाऊं तो 2 सेकंड में, अभी आप भी लगाओगे 2 सेकंड में ही लगाओगे, लेकिन प्रोसेस तो समझो यार पहले इसका, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए अब ये जो पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है, इनको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, और जो भिन्न 4/7 2/7 5/7 3/7 है उसको अलग हम कैलकुलेट करेंगे। तो 9 से 2 निकलना है, देखिए ये 9 माइनस 2 तो आप अलग लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 माइनस ये 3 है और प्लस 5 है, ये एक जगह पर हो गया, प्लस बचा है 4/7, है ना, माइनस 2/7, है ना, फिर माइनस 5/7 प्लस 3/7, ये अलग आप जोड़ लीजिए। 9 से 2 कम होने को कह रहा है तो 7 हो जाएगा, 9 से 2 कम 7, 7 से 3 कम 4, जो 4 हुआ उसमें 5 जुड़ने को कह रहा है तो 5 जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो गया प्लस। अब देखिए, अब ये 4/7 ये धनात्मक है भाई, है ना, तो 4 धनात्मक है और धनात्मक कौन है, 3 धनात्मक है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, है ना, और माइनस 2 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 7 ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि धन वाले जुड़ करके 4 + 3 + 7 हुए, और माइनस 2 माइनस 5 जुड़ करके माइनस 7 हुआ, और सबके बटे में 7 रहेगा, धन 7 माइनस 7 कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 7 धनात्मक है 7 ऋणात्मक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 7 में से 7 निकल जाएगा, 0/7, और जब 0 में हम 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है, तो 9 + 0 = कितना आएगा उत्तर आपका,
9 आएगा। तो इस तरह से इसको, तो ये एक प्रोसेस हो गया जो आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। लेकिन इसको आप संक्षेप में लगाओगे तो कैसे लगाओगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 9 से 2 कम कर देंगे 7, 7 से हम 3 कम कर देंगे 4, 4 में प्लस 5 है तो 4 में 5 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बटे 7 सबका है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बटे 7 सबका है तो सबका अंश, ये 4 से यहाँ पर 2 कम होगा क्योंकि ये माइनस है तो ये 2 कम होगा, 4 से 2 कम हो गया, 2 बचा और 2 में से कम होगा माइनस 5 तो हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 0, यानी 0 बटा 7, और जब 0 बटा 7 रहता है तो उसका उत्तर कितना आता है, 0 आता है, तो यहाँ पर 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दोस्तों आप इसको पहले समझो और जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में लगा सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसे सॉल्व करना हो या इसके जैसा कोई और क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना हो तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर देखिए एक जो लकीर दिख रही है इसके ऊपर एक समीकरण है, इसके नीचे एक समीकरण है और यहाँ पर एक समीकरण है, यानी ये क्वेश्चन पहले 3 स्टेप में सॉल्व होगा, उसके बाद आपस में उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले ऊपर ही ऊपर सॉल्व होगा, फिर नीचे ही नीचे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ सॉल्व हो जाएगा, आसान है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। पहले ध्यान से देखो इसको, 4 से 2, यहाँ पर 4 सही 1 बटा 7 है, माइनस 2 सही 1 बटा 4 है, तो 4 धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है, 4 से 2 गया 2 बचा और 1 बटा 7 धनात्मक है, 1 बटा 4 ऋणात्मक है, तो 4 इकन्नम 4, 7 इकन्नम 7 और यहाँ माइनस है, तो 4 माइनस 7 माइनस 3 बटा 7 चौक 28 है ना, माइनस यहाँ वाला यहाँ हम रख सकते हैं, है ना, यहाँ पर रख सकते हैं, और बटे में क्या होगा, यहाँ पर 3 और ये 1 4 हो जाएगा, प्लस 7 इकन्नम 7, 2 इकन्नम 2, 7 2 9 बटा 7 दूना 14, ये हो जाएगा, यानी ऊपर का ऊपर रख लिया और नीचे का नीचे रख लिया और भाग का निशान है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर इसको लाइनें बना करके सॉल्व करोगे ना, कई लाइनों में ये सॉल्व होगा, लेकिन आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना है। 5 50 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, ये हटेगा और यहाँ बन जाएगा 24। अब ये तीसरा वाला बटा यानी 5 यहाँ से हटेगा, इसको छोड़ करके यहाँ पर पहुँचेगा, तो 5 एक गैप करके यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, है ना। अब ये 24 दुना 48 5 53, ये हट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, और 24 इसको छोड़कर यहाँ पहुँचेगा, 24 को हटाएंगे तो यहाँ 24 इकन्नम 24 हो जाएगा, 53 दूना 106, 106 में 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130, ये हट जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 130 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 130 बन जाएगा, और 53 यहाँ से हटेगा और इसको छोड़ करके यहाँ पर पहुँचेगा, 53 दूना 106, तो यहाँ वाला सॉल्व होकर के 106 बटा 130 आया, 106 बटा 130, और आप जानते हैं ये सब अंडर रूट में है ही है, है ना। अब इसे सॉल्व करें तो ये 28 दूना कितना हो जाएगा 56 माइनस 3 53 बटा 28, ये हो जाएगा 53 बटा 28 है ना, और पूरे के बटे में कितना होगा 24 चौके 56 और 9 जोड़ देंगे, 56 और 9 कितना हो जाएगा 65 बटा 100 बटा 14, और यहाँ पर भाग का निशान है और 106 बटा 130। अब आप जानते हैं सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और मध्य वाला मध्य पर, एक इसके बाद लाइनें बनानी नहीं पड़ती है ना, ये इतने में ही सॉल्व हो जाता, लेकिन समझाना है तो बनाना पड़ेगा। ये 14 53 से जाएगा गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 53 गुणे 14 बटे 28 गुणे 65 और भाग का निशान है उसको गुणा बना देंगे तो
यानी भाग को हमने विपरीत कर दिया, भाग का विपरीत गुणा, तो इसका विपरीत कर देंगे तो 130 ऊपर और 106 नीचे, 130 बटा 106। अब इसको आप सॉल्व करिए, 65 दूना 130 है ना, और 53 दूना कितना हो जाएगा 106, और दो दो से कैंसिल हो गया, 14 एकन्नम 14 और 14 दूना 28 है ना, बचा कितना, बटे में 2 बचा है। और आप जानते हैं यहाँ पर अंडर रूट का निशान ऐसे था ही था, है ना, तो कितना आ गया, अंडर रूट में 1/2 आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 1/2 आएगा। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही इत्मीनान से समझिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तीसरे क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से कैसे लगा सकते हैं, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 1/5 + 999 सही 494/495 गुड़े 99 है, तो यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा गुड़ा भाग हमको करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से हमारी बात सुनिए। यहाँ पर 1/5 है तो 1/5 रखेंगे, है ना, ये 999 है, तो क्या मैं इस 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ, ये भी तो 999 ही है, 1000 - 1, और जब ये सही में है तो 495 का आप 999 से गुणा करते ना, तो 495 का आप 999 में गुणा ना करके आप इसमें गुणा करो, 495 का 1000 से, फिर 495 का -1 से, 495 का 1000 से गुणा आप करोगे तो क्या बनेगा, 495000 है ना, और 495 का यहाँ पर -1 है, -1 से गुणा करोगे तो -495 है ना, और ऊपर वाला जुड़ता है तो +494 है ना। अभी देखो ये और आसान हो जाएगा, ये तो समझाने के लिए मुझको इतना बोलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, है ना, और बटे में कितना 495 गुणे कितना 99 होगा ना। अब ना हो तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, 11 × 9 = 99 और ये 11 × 4 = 44 11 × 5 = 55 और ये 9 = 9 9 × 5 = 45 5 इसके है, 5 इसके भी है। अब देखिए इसका भी हर 5 हो चुका है और इसका भी हर 5 हो चुका है, और आप जानते हैं जब हर बराबर हो तो अंश को जहां जुड़ना है वो जुड़ जाएगा, जहां घटना है वहां घट जाएगा। तो आप ये कह सकते हो, अब एक चीज़ और यहां पर समझो, ये तो कट करके 1 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया है ना, यहां का कैलकुलेशन आप करोगे -495 + 494 का कैलकुलेशन कितना होगा, -1 होगा, तो ये धनात्मक 1 है, धन 1 है, +495000 -1 और बटे में दोनों का हर बराबर है तो बटे में 5, और ये +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 495000 / 5 बचा। अब इनको आप कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल करो, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, बचा कितना, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, 4 बच गया, फिर 45 हो जाएगा, 5 × 9 = 45, उसके बाद तीनों जीरो बच जाएंगे, है ना, तो 99000 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा आपका बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो देख रहे हैं ना आप कितने इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया, लेकिन आप अपना दिमाग चलाएंगे तब। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है ना, या आप देख रहे हैं 3/4 है, उसके बाद कोई चिन्ह नहीं है, ब्रेकेट शुरू है, तो इसका मतलब यहाँ गुणा माना जाएगा, इन दोनों ब्रेकेटों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी गुणा माना जाएगा, ये भी गुणा माना जाएगा, सब जगह क्या है, गुणा माना जाएगा। अब यहाँ 3/4 को रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 3 + 1 = 4/3 और ये गुणा माना जाएगा, फिर गुणे का निशान यहाँ पर लगेगा, 3 × 3 + 2 = 5/3 है ना, गुणे 5 × 5 - 2 = 3 3/5 गुणे 7 × 7 + 6 = 7 और 6 जोड़ देंगे 13 13/7 फिर गुणे है 13 × 13 - 12 कितना हो जाएगा 13 से 12 गया 1/13
तो अब देखिए ये चार चार को कैंसिल, तीन तीन को कैंसिल, वैसे ही तीन तीन को कैंसिल, पाँच पाँच को कैंसिल, तेरह तेरह को कैंसिल, एक बचा बटे सात बचा, एक बटा सात आपका क्या हो जाएगा, उत्तर बी ऑप्शन में दिया गया है। अब चलिए देखते हैं अपना पाँचवा और छठवां क्वेश्चन। ये देखिए हमारा पाँचवा और छठवां क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें कहा है कि ये देखिए समीकरण बनाया है ना, 0.2 दिया है और उसके ऊपर बार का चिन्ह है ना, और 0.3 दिया है इसके ऊपर बार का चिन्ह है, 0.32 दिया इसके ऊपर बार का चिन्ह है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बार का चिन्ह क्या होता है, तो दोस्तों जब दशमलव के बाद ऐसे तीन 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 बार बार आए तो क्या करते हैं, बार बार आए अनंत तक जाता रहे तो उनको मैं बार बार ना लिख करके ऐसे ही बार का चिन्ह ऊपर दे देता हूँ, है ना, ऐसे ही दे दिया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है, यानी दशमलव दो के ऊपर बार लगा, यानी दशमलव दो, उसके बाद दो 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 ऐसे आगे अनंत तक है ना, समझ गए होंगे। यहाँ पर दशमलव तीन दो है ना, उसके बाद फिर तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो ऐसे आता रहेगा। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए अगर एक एक केवल एक अंक पर बार लगा, यानी दशमलव के बाद, दशमलव के जस्ट बाद एक अंक पर दशमलव, दशमलव के बाद जस्ट एक अंक पर दशमलव, सॉरी बार, और दशमलव के बाद जस्ट दो अंक पर बार लगा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब बार का चिन्ह हटता है तो ये बार का चिन्ह और दशमलव दोनों हटेगा, तो बटे में नौ आ जाता है। ये दो के आगे दशमलव है और बार का चिन्ह है, ऊपर बार है, तो ये दोनों हटेंगे तो बटे में क्या आएगा, नौ आएगा। अतः दो के बटे में क्या हो जाएगा, नौ। यहाँ पर ये ऊपर बार का चिन्ह और दशमलव दोनों हटेंगे तो बटे में नौ आ जाएगा, प्लस तीन बटा नौ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो अंक पर बार है, दशमलव के जस्ट बाद दो अंक पर बार का चिन्ह है, अतः दो ठू नौ आ जाएगा, दशमलव हटेगा बार हटेगा, लेकिन दो अंक पर बार का चिन्ह होने की वजह से बटे में दो ठू नौ आ जाएगा, तो 32 बटा 99। अब ये कैसे सॉल्व होगा, आप जानते हैं कि जब तक हर बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये सॉल्व ही नहीं होगा। हर बराबर करने का मेरे पास जुगाड़ तो है ना, यहाँ पर 99 है, इसको क्या 99 नहीं बना सकते, बना सकते हैं। अगर हम 11 से गुणा कर दें तो 11 नवा, तो 11 से जब यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 11 से गुणा कर दो तो ऊपर भी 11 से गुणा कर देंगे तो 11 तीन 33 हो जाएगा। यहाँ पर भी 99 बनाने के लिए 11 से गुणा, तो ऊपर भी 11 से गुणा, तो कुल मिलाकर 11 दूना 22 बटा 99 धन 11 तीन 33 बटा 99 धन 32 बटा 99, यही ना होगा। अब ये बटे में सब चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं, सब जगह बटे में 99 है। अब हर बराबर हो गया है तो अंश जुड़ने को कह रहा है तो जोड़ लीजिए। अब 22 33 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55, और 55 में 32 जोड़ेंगे ना, तो ऐसे ना जोड़ लो यार, इकाई इकाई है ना, दो तीन पाँच दो सात है ना, और दहाई दहाई को जोड़िए, तीन तीन छः दो आठ, 87 बटे 99। अभी देखिए 99 आया कैसे था, 99 आया कैसे था, जब दशमलव हटा बार का चिन्ह हटा तब ना बटे 99 आया था, आया था तो कैसे आया, कुछ हटा करके आया था, क्या हटा करके आया था, दशमलव और बार का चिन्ह। अब ये 99 हटेगा तो अपने आप यहाँ प्रकट हो जाएगा क्या, 99 यानी दो ठू नौ हट रहा है तो दो अंक पर बार का निशान आ जाएगा और दो अंक पर दशमलव भी आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से 99 हटेगा तो 0.89 आ जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.87 यहाँ पर इसमें लिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे आसान ये है, क्यों आसान है, अब पहले चीज़ों को समझो। यहाँ पर भैया जैसे यहाँ पर सब जगह क्या था, एक दो, इसमें एक अंक पर बार था, इसमें एक अंक पर, इसमें दो अंक पर, अगर यहाँ पर भी एक अंक पर बार होता ना तो सीधा कर लेते तीन तीन छः दो आठ, क्योंकि सब जगह बार का चिन्ह एक अंक पर है और वो सभी अंक जस्ट दशमलव के बाद में थे, है ना,
तो लेकिन यहाँ पर तो 32 था, लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद दो अंक दोनों पर बार, दशमलव के बाद दो अंक दोनों पर बार, दशमलव के बाद दो अंक दोनों पर बार, यानी दशमलव और बार की कंडीशन सेम है, तो इनको आप जोड़ सकते हो ऐसे सीधा सीधा। तीन इकाई इकाई जोड़िए, तीन और सात दस, दस में शून्य जोड़ेंगे, दस ही रहेगा, दस के शून्य हासिल एक, और ये आठ तीन ग्यारह, ग्यारह छः सत्रह हासिल एक अट्ठारह, है ना, अट्ठारह हो गया। अब अट्ठारह हो गया तो देखिए दशमलव कहाँ पर है, दो अंक पर है, तो दो अंक पर दशमलव लगेगा, और दो अंकों पर बार है तो दो अंकों पर बार हो जाएगा। उत्तर कितना बन जाएगा, एक दशमलव आठ शून्य, इसका क्या होगा उत्तर होगा। इसमें से और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, उनको भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ याद करना, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों इस शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको शेयर करके इस चैनल से अवगत कराइए।